Welcome students to the Easy Peasy Maths by Vishali Gupta. Today we are going to discuss portion 2 of exercise 1.1 of class 6. So the question says, place commas correctly and write the numeral. So the first part is 73,75,307. तो आप जैसे इसे रीड करेंगे तो आप देख रहे हैं 73 लाख. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 73, उसको मल्टीप्लाई करेंगे लाख से. तो लाख में कितने जीरो होते हैं, 5. 1 2 3 4 5. फिर क्या लिखा है, 75,000. तो हम 75 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से. देन लिखा है 300, तो हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से. देन 7, तो हमारा क्या आ जाएगा, 73 + 75,000 + 300 + 7. जब हम इन्हें प्लस करेंगे 73 लाख को 75,000 से, फिर 300 से, 7 से, तो हमारा क्या आएगा, 70,357,73. और अब क्योंकि हमारा लैक है तो इससे ये सेल्फ अंडरस्टूड है कि हमें कॉमास जो है इंडियन न्यूमरल सिस्टम के हिसाब से लगाने हैं. तो क्या कहते हैं, 3 के बाद फिर 2 के बाद. तो ये आया हमारा आंसर 7375307. तो ये तो हो गया था हमारा लंबा मेथड. अगर हमें इसे शॉर्ट और जल्दी करना हो तो हम क्या करेंगे, इसे फिर से रीड करते हैं, 73,75,307. तो हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास लाख है तो हमें ये तो पता चल गया इंडियन न्यूमरल सिस्टम के हिसाब से चलना है. तो हम ऐसे करते हैं, यहाँ पे लाख है तो हम क्या करेंगे, 1, देन टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख. अब क्योंकि 70 लाख है, 73, तो 70 + 3 लाख हुआ ना, तो इसमें 10 लाख वाली पोजीशन भी है, तो यहाँ पे आ गया 10 लाख पोजीशन. तो यहाँ पे हम 70 के लिखेंगे, तो 7 फिर 3, ये हो गया हमारा 73 लाख. अब रीड करो 75,000, तो क्या था, 1, 10, 100, 1000, 10,000. तो हमारी 70 की पोजीशन क्या होगी, 10,000 पे, तो ये आ गया हमारा 7. फिर 5 की पोजीशन क्या हो गई, 1000 पे, तो 1, 10, 100, 1000, ये हो गया 75. देन 3 क्या पोजीशन क्या है, 100, तो ये हो गया 3. फिर उसके बाद हमें क्या मेंशन करके है, 7, तो वो 7 की पोजीशन क्या है, 1. क्योंकि हमारे पास इसकी कोई पोजीशन मेंशन नहीं है तो ये ऑब्वियस है कि यहाँ पे 0 आना है. ये हमारा शॉर्ट में आंसर आ गया. अब इसे इंडियन के हिसाब से कॉमा लगाएंगे तो 3 फिर 2 के बाद. तो ये था हमारा ए पार्ट का आंसर. क्वेश्चन 2 का बी पार्ट कहता है 9,05,41. तो हम जैसे पहले मेथड से करें तो ये क्या कह रहा है, 9 करोड़. तो 9 को हम मल्टीप्लाई करेंगे करोड़ से. तो करोड़ में कितनी जीरो होती हैं, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 प्लस 5 लाख. तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे हम लाख में कितनी जीरो होती है, 5 से. प्लस 41, तो 4 × 10 + 1. तो इसको आप जब प्लस करेंगे फाइव लाख से प्लस 41 से, तो क्या आ रहा है, 1,4,0,0,0,5,0,9. क्योंकि यहाँ पे करोड़ है तो ये इंडियन न्यूमरल सिस्टम के हिसाब से कॉमा लगना है. तो 3 के बाद फिर 2 के बाद फिर 2 के बाद, तो आप ये देखेंगे ये क्या लिखा है, 9,05,41. ये तो हो गया लंबा मेथड. अब छोटे मेथड के लिए मैंने आपको क्या बताया था, हम क्या करेंगे, यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, 1, 10, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, then crore. तो करोड़ क्या है, 9, तो करोड़ की पोजीशन पे आ गया 9. फिर लिखा है 5 लाख, तो फिर से 1, 10, 100, 1000, 10,000, फिर लाख, तो लाख की पोजीशन पे आ गया 5.
फिर उसके बाद हमारे को क्या दे रखा है 41, तो 40 किसकी पोजीशन है 10 पे, तो यहाँ पे हमारे 1 स्टैंड्स 4 और 1 किस पोजीशन पे 1 पे, तो ये आ गया। अब जहां की हमें पोजीशन नहीं दे रखी तो उसका मतलब है हमें वहां पे 0 डालने हैं। अब उनको इंडियन के हिसाब से कॉमा लगाएंगे तो 3 के बाद 2 के बाद 2 के बाद, तो हमारा आंसर आ गया 9050041। ये हो गया हमारा बी पार्ट। सी पार्ट ऑफ क्वेश्चन 2 सेज 7,52,21,302। तो फिर 7 है तो हमारे को 7 को किससे मल्टीप्लाई करना है, करोड़ से, तो कितने जीरो 7 1 2 3 4 5 6 7। फिर कहता है ये 52 लाख, 52 को हम मल्टीप्लाई करेंगे लाख से, तो कितने जीरो 5। फिर कहता है 21,000, तो 21 को हमने मल्टीप्लाई करा 1,000 से। फिर 300, तो 3 को मल्टीप्लाई करा 100 से। फिर 2, तो सिंपल 2 लिख देंगे, तो अगर हम इन्हें प्लस करेंगे तो हमारा आएगा 7 1 2 3 4 5 6 7, फिर 52, देन 21,000, देन 302। इसको हम प्लस करते हैं तो क्या आता है 203 1 2 2 5 7, क्योंकि ये हमारा करोड़ में है तो इसका मतलब हमारा क्या है, कॉमा हमें लगाने हैं इंडियन के हिसाब से, तो 3 के बाद 2 के बाद फिर 2 के बाद। ये तो हो गया लंबा मेथड। छोटा मेथड क्या कहता है, 1, 10, 100, 1,000, 10,000, 1,000,000, देन करोड़, तो करोड़ की पोजीशन पे क्या आएगा 7, तो हमने लगाया 7। फिर ये कहते हैं 52 लाख, तो 1, 10, 100, 1,000, 10,000, 1,000,000, लाख की पोजीशन पे है 2 और 10 लाख की पोजीशन पे क्या है 5, तो आया हमारा 5 और 2। देन 21,000, 1, 10, 100, 1,000, तो 1,000 की पोजीशन पे है हमारा 1 और 10,000 की पोजीशन पे है 2, तो 2, 1। फिर 3 हमारी पोजीशन है 100 पे, तो 100 पे पोजीशन लिख दी। फिर 2 1s पे, क्योंकि इसकी पोजीशन कुछ नहीं देखी तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0, तो अब फिर करेंगे तो 3 के बाद 2 के बाद 2 के बाद सेम आंसर आया। ये हो गया हमारा सी पार्ट। 8,423,212। तो अब यहाँ पे लिखा है 58, तो हम 58 इंटू मिलियन, मिलियन में क्या होता है 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख, तो 1 लाख में 5 जीरोस होती है, तो 10 लाख में कितनी जीरोस होती है 6, तो हम कितने मल्टीप्लाई करेंगे 6 जीरो से। फिर लिखा है 423,000, तो 423 इंटू 1,000 प्लस 202, तो आप इसे लिख सकते हैं 2 इंटू 100 प्लस 2, तो अगर आप इसे लिखेंगे तो 58, फिर उसके बाद 423, फिर 200, देन 2, आप इसे प्लस करेंगे तो क्या आएगा, फाइव एट फोर टू थ्री टू जीरो टू, क्योंकि ये मिलियन में है तो हमें कॉमास लगाने होंगे इंटरनेशनल के साथ है, तो 3 के बाद फिर 3 के बाद, तो ये बन गया हमारा 58,423,202। अब इसे अगर हमें शॉर्टकट मैटर्स से करना हो तो हम क्या करेंगे, अब हमारे इंटरनेशनल में क्या होता है, 1s, 10s, 100, देन 1,000, देन 10,000, देन 100,000, देन मिलियन, तो मिलियन पोजीशन पे क्या है, यहाँ पे लिखा है 58, तो 8 तो है मिलियन पोजीशन पे और 5 है 10 मिलियन पोजीशन पे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 58। फिर लिखा है 423,000, तो पहले हम देखते हैं 1,000 कहाँ से शुरू होगा, 1, 10, 100, फिर ये हमारा पूरा 1,000 मार्क करता है, तो इसमें क्या लिखा है 423, तो ये हो गया 1,000 पे, देन उसके बाद 2 आएगा हमारा 10,000 पोजीशन पे और 4 आएगा हमारा
100,000 पोजीशन पे। फिर आ लिखा है 202, तो 1 stands 100, तो 2 आ गया हमारा उस पोजीशन पे और 2 है 1 पोजीशन पे, क्योंकि हमें इसकी कोई पोजीशन नहीं दे रखी, तो यहाँ पे 0 आएगा। और फिर हम मार्क करेंगे कॉमा इंटरनेशनल के थ्रू, तो ये 3 के बाद 3 के बाद, तो आप देखिए हमारा सेम आंसर आ गया 5842320202 आंसर। ई पार्ट से 23,30,010, सो द 23 lakhs मीन्स 23 को हमें मल्टीप्लाई करना है लैक से, मतलब 50, और हमें 30 को मल्टीप्लाई करना है 1000 से, और 10 देन इसको हम अगर प्लस करेंगे तो क्या आएगा, तो हमारा आंसर आएगा 23,30,010, और क्योंकि लैक है तो इंडियन के हिसाब से 2-3 के बाद 2 के बाद, ये हुआ हमारा आंसर। अब अगर हमें इसे शॉर्ट में करना हो तो 1, 10, 100, 1000, 10,000, then lakh, then 10 lakh, तो 23 है तो मतलब 2 हमारा 10 लाख की पोजीशन पे है और 3 हमारा लाख की पोजीशन पे है, तो 23। फिर आता लिखा है 30,000, तो 1 stands 100,000, तो क्योंकि 30 है तो इसका मतलब 3 हमारा 10,000 की पोजीशन पे और 0 हमारा 1000 की पोजीशन पे। फिर लिखा है 10, तो यहाँ पे 10 हमारा क्या हो जाएगा 1 और ये 0, क्योंकि इसकी पोजीशन नहीं देखी तो हम यहाँ पे 0 लिख देंगे, तो हमारा क्या आंसर आया 2,33,00,10, क्योंकि ये इंडियन है तो हमें 3 के बाद फिर 2 के बाद फिर 2 के बाद। सो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर क्वेश्चन 2, इफ यू हैव एनी क्वेरीज प्लीज डू राइट इन कमेंट सेक्शन, टिल देन बी सेफ एंड बी एट होम इन दिस कोरोना टाइम, एंड इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।